हेलो उत्तरायण फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो चैनल पे। तुम लोग को अगर दिख रहा हो सब्सक्राइब का बटन, जो कि सब्सक्राइब ना हो तो उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट कर दो यार वीडियो में जाकर, इट्स अ नेसेसरी। और कमेंट क्या करना है, मैं उसमें तुम लोग की मदद कर देता हूँ। तो रेवर्थ में वो जो फोर्थ एम्परर था, जो पिल खिला के पेट में पेड़ उगा देता था, फिर उससे लोगों को मार देता था, उसका नाम क्या था ये बताओ, जो यान का कट्टर दुश्मन। ठीक है, कमेंट कर देना तुम में से जिसे जिसे पता हो। अपन लोग आते हैं सीधा पिछले एपिसोड में, क्योंकि पिछला एपिसोड काफ़ी शानदार होता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो यान सीधा ही जुइंग से कहता है, भाई चल मेरे लिए सोल बॉडी ढूंढ, मतलब मेरे लिए है उसे ढूंढ, जिमी क्लेन की सोल को। जो देख कर ये तुरंत ही कहता, मैं काय को ढूंढेगा तेरे लिए, तू क्या मेरा कोई काम किया आज तक। जो देख कर जॉन कहता, अगर तूने मेरे लिए उस बॉडी को ढूंढ दिया तो मैं तुम्हें वापस से सेनेक्सी वर्ल्ड लेकर जाऊंगा। जो सुनकर तो बंदा खुश हो गया होता है कि क्या सेनेक्सी वर्ल्ड, मैं वापस जा पाऊंगा। वो तुरंत ही कहता, मैं तैयार हूँ। जिसके बाद ये आँखें बंद करता है और कुछ गुड़ू गुड़ू मंत्र वंत्र पढ़ता है। इसके बाद कहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में है वो बंदा। इसके बाद क्या था, ये लोग भंडे स्पीड में सीधा ही नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब ये लोग नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखा जा सकता था कि जो जियो यान होता है वो देखता है कि ओरिजन गॉड की बॉडी वहाँ पर है। जियान तुरंत कहता है, जाने कितनी भी क्या जल्दी है, चलो अब थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। जिमी क्लेन का जो बंदा होता है उसे तुरंत ही कुछ गलत लगता है कि गड़बड़ है बाबू भैया, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद जो यान तुरंत ही जोइंग से कहता है कि इसकी बॉडी को कंट्रोल करो। सोलिटा क्लोन का यूज करके जॉन इसकी सोल पे अटैक करता है। जोइंग भी सोल पर अटैक करता है और उसी टाइम पे जॉन, जब इसकी सोल सप्रेस होती है, अपनी सोल को ओरिजन गॉड क्लोन के अंदर वापस से एक्टिवेट करके बॉडी को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। अब बॉडी को जब कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था तो जॉन के लिए ये बॉडी पहले से ही कंफर्टेबल थी, तो जॉन को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जॉन बहुत जल्दी इसकी बॉडी को कैप्चर कर लेता है। देन हम लोग देखते हैं कि बॉडी को कैप्चर कर लेने के बाद जिमी क्लेन के बंदे की जो सोल बॉडी से बाहर आ गई थी उसे जोइंग खा लेता है। लेकिन जॉन तुरंत ही उसे कहता है, भाई बॉडी को वापस कर, मुझे भी अभी उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। जो देखकर जोइंग कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की दो वॉल्स को जॉन की तरफ सेंड करता है, जिसमें से एक उसकी बॉडी कैप्चरिंग टेक्निक की टैलेंट होती है, जिससे जॉन की कैप्चरिंग पावर बढ़ गई होती है, और दूसरी उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें टूटी फूटी यादें थी, लेकिन उसने अपनी यादों को मिटा दिया था, इसलिए जॉन को कुछ खास प्रॉफिट होता नहीं है। बट जॉन को ओरिजिन गॉड वापस मिल गया था, जो कि सबसे बड़ी चीज़ थी। और एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। आओ देखते हैं इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ओरिजिन गॉड का क्लोन वापस लेने के बाद जो यान एक गहरी आह भरता है कि लकीली उसने ओरिजिन गॉड के क्लोन को नहीं खोया, पढ़ना ये होता जॉन के लिए बहुत बड़ा नुकसान। साथ ही स्टार पे जिमी क्लेन के बंदे की जो सोल थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। लेकिन अब जॉन के अंदर होती है एक झिझक। वो फाइव स्टार ओरिजिन गॉड के डेड बॉडी के पास जाने की स्ट्रेटजी बनाता है, ये देखने के लिए कि क्या उसके डेड बॉडी में उसे कुछ मिल सकता है। जब जॉन जाने ही वाला था तभी विंग यून रैबिट और वुझान भी आ गए होते हैं, और यहाँ जो यान को तो विंग यून रैबिट दूर से ही गाली देते हुए आ रहा होता है और ह्यूमन शेप में अपेयर नहीं हुआ होता, लेकिन इसकी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसे एक लड़की होना चाहिए। तभी जो विंग यून रैबिट कहता है, आखिरकार ये मिल गया, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी लकी हूँ, अगर ये मर गया होता तो मेरी भी जान ले ली जाती। विंग यून रैबिट का पूरा चेहरा काला होता है, क्यों भाई, इसने ऐसा कौन सा गंदा काम किया है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हालांकि इस रैबिट के अंदर जो यान के रैबिट के दिल में जो यान के लिए अनगिनत गालियां होती इतनी जितनी उसे आती थी, जितनी नहीं आती थी वो दूसरों से पूछ पूछ कर देने के लिए तैयार थी। तभी जान कहता, ओह तुम्हारे अच्छे वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लकीली मैं बदकिस्मती से बच गया। जॉन गुस्से से बिंगयून रैबिट की तब देखता और कोल्ड वॉइस में कहता है, और इसके बाद जॉन जिंगयून के सिर पर वापस से क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। और ये देखकर बिंगयून रैबिट काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि जोइंग जो यान को मारना चाहता था वो जो यान को अपने सर की आंखों पर बैठा के रखे हुए है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये जो यान का माउंट कैसे हो सकता है। इससे पहले कि बिंगयून रैबिट हैरान हो पाता, जोइंग पहले से ही जोयान के साथ दूर की तरफ जा चुका होता है। साथ ही ऑब्वियसली बिंगयून रैबिट को अब जोयान मिल चुका था, इसलिए वो फिर से नहीं खोएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे और उसे कितनी देर तक खोजना होगा। इसलिए थोड़ी देर झिझक के बाद बिंगयून रैबिट तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ गई होती है। साथ ही जान जो कि जोइंग के सिर पर क्रॉस लग बैठा था, तो ऑब्वियसली एबिस के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी जो जोयान को टारगेट कर सके या उसे धमकी दे सके। और कुछ टाइम के बाद जॉन फाइव स्टार ओरिजिन गॉड की बॉडी के पास पहुंचता है, जो बड़े से एबिस में लटकी हुई होती, तो जॉन काफी हैरान होता है और धीरे धीरे रुक गया होता है। और जोइंग के सिर से ऊपर आकर जोयान अपने अगल बगल देखता है। यहाँ पे इस टाइम पे जोइंग रैबिट के सिर पर तीन लोग क्रॉस लेग बैठे हुए होते हैं, जिसमें पहला सोल ईटर क्लोन, दूसरा जोयान और तीसरा ओरिजिन गॉड क्लोन होता है। और इनके होने के कारण जॉन की जो बैटल पावर थी उन्हें एक और लेवल तक बढ़ा दिया गया था। तभी जोइंग तुरंत ही कहता है, किसी के क्लोन का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना सच में काफ़ी रेयर है,
जो सुनकर जॉन भी एम्बेरस होते हुए स्माइल करता है, क्योंकि हालांकि उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत धीमी हो गई थी। लेकिन कुछ ही टाइम में जोयान की जो कल्टीवेशन स्पीड थी अभी भी काफ़ी खतरनाक थी फाइटिंग गॉड में, और जोयान को उम्मीद थी कि इसी स्पीड के साथ वो 10,000 सालों के अंदर एम्परर इमॉर्टल लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कैपेबल होगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जोयान के चेहरे पर जो विल पावर और कमिटमेंट थी वो स्ट्रांग और स्ट्रांग होती जा रही होती, ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत अब बहुत कमजोर है, लेकिन अगर जोयान को पर्याप्त टाइम दिया गया तो निश्चित तौर पर यह बहुत स्ट्रांग भी होगी। तभी जॉन कहता है, मुझे पूछते हुए हालांकि शर्म आ रही है, पर मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि क्या इस एबिस के अंदर कल्टीवेशन के लिए कोई अच्छी जगह है। जो देखकर जियोइंग तुरंत ही कहता है, क्या तुम मौत से डरते हो या नहीं। जो सुनकर तो जियोयान दंग रह गया होता है और तुरंत ही कहता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप अभी भी मौत से डरते हैं तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन अगर आप किसी स्पेशल सिचुएशन में अगर मौत से डरते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो देखकर जियोइंग तुरंत ही कहता है, अगर तुम डेथ से नहीं डरते तो मैं तुम्हें इस जगह पे एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जो एबिस के अंदर भी एक रिस्ट्रिक्टेड लैंड है और ये डेड एनर्जी से भरी हुई है। हालांकि वहाँ पे डेड कोई है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे डिवाइन पिल भी हैं, अगर आप उनमें से कुछ को पा सकते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा शानदार होगा और आपकी बहुत मदद करेगा। जियोइंग जैसे ये कहता है, जोयान की आत्मा तो नाच उठी होती है, ओए बल्ले बल्ले, ओए साबा साबा, ओए पिल मिलने वाली है, ओए डिवाइन पिल मिलने वाली है, अबे बहन के घोड़े, ये नहीं देख रहा है ये बंदा कि वहाँ कितना खतरनाक होगा खतरा। जो अंतरंग कह रहा है, ठीक है मुझे पहले ओरिजन गॉड की लाश की तरफ ले जाओ, मुझे उसे देखना है। और जियोयान सेल आता है और धीरे धीरे घूमकर उस डेड बॉडी के पास पहुंचता है। पहले चिमी क्लेन के उस बंदे की सोल ने इस डेड बॉडी के होने का नाटक किया था, लेकिन इसकी बॉडी के ब्लड और पावर में जो ऑरा था, जो सप्रेसिंग ऑरा, वो सच में काफी शानदार था, लेकिन इसमें सोल का कोई भी निशान नहीं। तभी जियोइंग कहता है, क्या तुम ओरिजन गॉड की डेड बॉडी पे इंटरेस्ट रखते हो। जिस पर जियोयान सेल आते हुए कहता है, मेरा जो क्लोन है वो ओरिजन गॉड है, इसीलिए मुझे ओरिजन गॉड फैमिली के बारे में शायद इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो देखकर जियोइंग तुरंत ही कहता है, परेशान मत हो, उसके पास जो बची हुई सोल थी मैंने उसे बहुत टाइम पहले ही स्वालो कर लिया था। जियोइंग की बात सुनने के बाद जियोयान का चेहरा ही काला पड़ गया होता है। जियोयान तुरंत ही कहता है, क्या उसकी याददाश्त है, मुझे उसकी याददाश्त चाहिए। और जियोइंग की तरफ देखता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये बंदा 5-स्टार ओरिजन गॉड की बॉडी की सोल को अब्जॉर्ब कर चुका था, इसीलिए इसकी बॉडी खाली खोल थी। तभी जियोइंग कहता है, मैंने इसे बहुत जल्दी में निकल लिया था और इसकी जो मेमोरी है वो बहुत लॉन्ग टाइम पहले ही गायब हो गई। जो देखकर जियोयान भी फूट फूट का स्माइल करता है, ऐसा लगता था कि 5-स्टार ओरिजन गॉड की जो ये कीमत है भले ही कितनी भी कीमती क्यों ना हो ये उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद जियोयान का ओरिजन गॉड क्लोन तुरंत ही बीच हवा में जाकर खड़ा हो जाता है और जियोयान के एक थॉट के साथ ओरिजन गॉड के बॉडी के अंदर रिच स्टार पावर ग्लो होने लगती है जो जियोयान के ओरिजन गॉड क्लोन की तरफ आने लगती है। जिसके बाद जियोयान तुरंत कह रहा है, ठीक है चलो मुझे आपके बताए हुए स्थान की तरफ ले चलो। और जियोयान घूमकर जियोइंग की तरफ आ जाता है। साथ ही जियोयान को पता था कि अभी भी 5-स्टार ओरिजन गॉड की रिच एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए उसके ओरिजन गॉड क्लोन को कुछ टाइम लगेगा और एक ही टाइम पे ये कल्टीवेट कर सकते हैं, एक ही टाइम पे ये दोनों ही कल्टीवेट कर सकते हैं। इस टाइम पे बिंगू रैबिट और भूजान भी एक के बाद एक पहुंच गए होते हैं। जिसके बाद जियोयान तुरंत कहता है, रैबिट तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हो। और बिंगू रैबिट को और भूजान को आते हुए देखकर जियोयान थोड़ा सा उदास होता है। जो देखकर बिंगू रैबिट तुरंत कहता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम किस तरीके के रूल की बात कर रहे हो, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ तुम्हें फॉलो करना है, इसलिए मदद मांगते समय तुम्हें अपना बिहेवियर थोड़ा सा शांत रखना चाहिए। बिंगयून रैबिट सच में बिल्कुल लड़की ही थी, इसका जो दिमाग था वो तुरंत ही हाई लेवल पर चला जाता था। जो देखकर जॉन भी अल्पेस तरीके से स्माइल करता है, हालांकि इसका बिहेवियर थोड़ा सा बुरा था, लेकिन जॉन को पता था ये दिल की और चेहरे की काफी सुंदर है। जॉन तुरंत ही उसे रिस्पेक्टेडली ग्रीट करते हुए कहता है, तो क्या सीनियर बिंगयून मेरे लिए मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्या मैं उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कह सकता हूँ। आखिरकार अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और मदद के लिए झुकना किसी भी पर्सन के लिए कोई गलत बात नहीं थी। जो देखकर बिंगू रैबिट तुरंत ही कहती, मैं केवल आपकी देखभाल करने का वादा कर सकती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आपको खुद ही ध्यान देना होगा। और ऐसा कहते हुए बिंगू रैबिट कोल्डली भूजान की तरफ देखती है। दूसरा भूजान जियोयान की तरफ देखता है तो तुरंत ही कहता, चिंता मत करें, मैं अपना सबसे बेस्ट करूंगा, अपनी जान प्राण और तीसरी वो भी चीज दे दूंगा, कोई शक नहीं, सीनियर आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। भाई ये बंदा जियोयान के लिए सबसे सगा वाला बंदा है। जो देखकर जियोयान भी अपना सेल आता है क्योंकि उसे पता था कि भूजान वास्तव में अगर खतरा देखेगा तो मदद के लिए जरूर आएगा, और उसका यहाँ पे होना जियोयान के लिए काफी अच्छी चीज थी। इतना कहने के बाद जियोयान फिर से जियोइंग के सिर पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और जियोइंग की फिगर ब्लैक सी के अंदर डूब गई होती है सबसे डीप पार्ट की तरफ। नीचे जाते हुए जियोयान को पता चलता है कि अभी भी वो सबसे नीचे नहीं गया था, बल्कि अभी भी यहाँ पे एक और खाई थी जो इस अंदर समंदर के अंदर के अंदर है। जिसके बाद यहाँ का जो प्लेस होता है ज्यादा शांतिपूर्ण नहीं होता और यहाँ पे एंटर होने के बाद जियोइंग धीमी होने लगती है, और थोड़ी देर तक गोता लगाने के बाद चारों तरफ का जो अंधेरा होता है उसके नीचे एक फ्लोरोसेंट लाइट देखी जा सकती थी। इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक बड़ा सा बादल तैर रहा हो,
कि मैं इमॉर्टल लेवल के पर्सन सी ऐसा कर सकते हैं। मैंने भी एक बार यहाँ पे क्लोन के साथ एंटर होने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी डिस्ट्रॉ हो गए। जो इंग यहाँ पे जुआन को समझाता, जो देखकर जुआन कहता क्या सबके सब, जो देखकर जो इंग कहता बिल्कुल। कुल मिलाकर 6 क्लोन यहाँ पे एंटर हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। हालांकि मेरा उनसे कॉन्टेक्ट कनेक्शन टूट गया था, लेकिन वो जिंदा है या मर गई है अभी भी मुझे नहीं पता। मेरे सभी क्लोन्स को डिवाइन पिल मिली थी, अगर आप इसे पा सकते हैं तो अब मुझे मेरे क्लोन मिल जाएंगे और मैं वापस से उन पर कंट्रोल हासिल कर लूंगा, वो जॉन को रिप्लाई करता है। जो सुनने के बाद जॉन थोड़ा सा घबरा गया होता है, क्योंकि इस मामले में इसमें क्लोन के लिए एंटर होना अच्छी बात नहीं होगी। उसे नहीं पता था कि आखिरकार सिचुएशन क्या थी। जॉन के फोरहेड के बीच एक लाइट ग्लो होती है और वो अपने वॉइड स्प्रिट टावर के अंदर 100 लीटर क्लोन को रख लेता है। और जुइंग ने जो कहा वो सुनकर जॉन ने तुरंत ही अपने क्लोन के साथ कांटेक्ट को काट दिया होता है। आखिरकार जॉन को अभी भी लगता था कि 100 लीटर क्लोन की जो प्रेजेंस है और इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और जॉन को पहले से ही जुइंगियों की दी हुई स्मृति मेमोरी में 100 लीटर क्लोन के बारे में कुछ समझ आ चुकी थी और जॉन इसके कल्टिवेशन और यूज़ का भी तरीका जानता था, तो जॉन के लिए एक पावरफुल ट्रम्प कार्ड बन सकता था। जिसके बाद जॉन कहता है ये कौन सी स्पेशल जगह है, क्योंकि जुइंग ने भी इसमें एंटर करने के लिए अपने क्लोनों का यूज़ किया था, इसीलिए अंदर की सिचुएशन को समझने में कैपेबल होना चाहिए। तभी वो कहता है ये जगह है रिस्ट्रिक्टेड प्लेस एवेस के अंदर, इसे डेथ और साइलेंस की लैंड कहा जाता है। साथ ही ये कहना भी अजीब है कि मेरे 6 क्लोन इसमें अलग अलग इंटर हुए थे, लेकिन हर एक क्लोन इंटर होने के बाद उसने जो भी वर्ड देखा वो अलग अलग था, लेकिन यह कोई एल्यूजन नहीं था बल्कि एक ऐसी दुनिया जिसमें हम घुल मिल सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आपकी अपनी यादें बदलती हैं। जिंग जान के सिर पर उतरकर जॉन को सब कुछ बता रहा होता है कि ये जगह कितनी खतरनाक और कितनी अजीब है, साथ ही बादलों के नीचे की इस जगह के बारे में लोगों को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है। तभी जिंग कहता है मेरे अकॉर्डिंग तो शायद ये एक ब्रेकिंग एशियंट वर्ल्ड हो सकता है, और आपको इस थॉट पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें अभी भी कुछ एशियंट बीस्ट हो सकते हैं, तो कुछ एशियंट पावरफुल पर्सन भी, हालांकि उनमें से ज़्यादातर पहले ही गिर चुके हैं लेकिन वे अभी भी पूरी तरीके से मरे नहीं हैं। हालांकि बेशक मैं स्पेशल खतरों के बारे में आपको कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप यो हाइनेस है तो इस तरह की जगह आपके लिए खतरनाक नहीं है। जुइंग जुआन को देखते हुए झिझक रही होती है, लेकिन वो तुरंत ही जुआन की तारीफ भी करती है। साथ ही वो यहाँ पे जुआन का टेस्ट भी लेना चाहता था कि क्या जुआन डरता है या नहीं, क्योंकि अगर जुआन हार मानने का ऑप्शन चूज करता है तो जुइंग द्वारा पहले कही गई सभी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जो पर्सन डरता है वो कभी भी सुप्रीम गॉड नहीं बन सकता। आखिरकार रीइंकार्नेशन केवल एक बार फिर से मिली हुई लाइफ है, और हर एक लाइफ में वापस से पहली वाली पावर पाना यह केवल एक डिज़ायर। तभी जॉन थोड़ी देर तक चुप रहता है और वो कुछ सोचते हुए नीचे के बादल्स को देख रहा होता है। तभी जुइंग कहता है अगर आप डरते हैं तो आपको अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। जो देखकर जॉन तुरंत कह रहा ठीक है, अगर मैं इसमें जाकर वापस आ गया तो तुम्हें फिर मेरे साथ ही रहना होगा, कैसा रहेगा? और ऐसा कहते हुए जॉन जुइंग की तरफ देखता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि जुइंग का कोई मोटिव है या नहीं, या टेस्ट ले रहा है या नहीं। साथ ही जॉन यहाँ पे कहता अगर आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बाद आपको मेरे लिए फाइट करनी होगी। जॉन को पता था कि जुइंग की फाइटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए वो जूची के साथ फ्यूचर में फाइट कर सकता है। अगर जुइंग उसके साथ होगा तो जो यान के लिए ये काफ़ी बड़ी मदद होगी, यहाँ तक कि ओरिजिन गॉड से भी ज़्यादा बड़ी मदद। और इस अट्रैक्शन को जॉन छोड़ नहीं सकता था। जो देखकर जुइंग तुरंत ही कहता है अगर आप वास्तव में जिंदा बाहर आ जाते हैं तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ, लेकिन आपको अपनी बातों पर खड़ा रहना होगा। आपको याद रखना होगा कि आपने मुझसे क्या कहा था, आप मुझे सेनेक्सी वर्ल्ड में वापस लेकर जाएंगे। और वो जो यान की तरफ देखता है, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है मैं 100% कन्फर्म तो नहीं हूँ कि मैं आपको सेनेक्सी वर्ल्ड में ले जा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि हालांकि मैं यो हाइनेस का रीइंकार्नेशन हूँ लेकिन मैं यो हाइनेस नहीं हूँ। जो सुनकर तो जुइंग की आंखों में अंधेरा छा गया होता है, लेकिन तभी जॉन बात कंप्लीट करते हुए कहता है लेकिन मैं आपको जल्द से जल्द एक कन्फर्म आंसर जरूर दूंगा। साथ ही आपने इसमें कहा कि कुछ ऐसा है जो मुझे मेरी पावर बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो जब मैं 8-स्टार फाइटिंग गॉड पर पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक कन्फर्म आंसर दे दूंगा। जो सुनकर जुइंग जो यान की तरफ देखता है, और अब उसके दिल में जो यान को लेकर ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जुइंग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि एकमात्र उम्मीद उसके लिए जो यान ही था जिसे उसने 10,000 सालों के इंतजार के बाद देखा था। इसलिए जुइंग भी यहाँ पर हिला देता है, अपना सिर हिला देता है। जुइंग तुरंत ही सी सरफेस में क्लाउड्स को देखता है, क्योंकि अगर उसके पास मौका हुआ तो वो भी वहाँ पे जाना चाहेगा। तभी जॉन कुछ भी नहीं कहता और धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लगता है, और उतरते ही जॉन को एक स्ट्रॉन्ग सप्रेसिंग फोर्स महसूस होती है जो उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, और एक पल के बाद जॉन की फिगर गायब हो गई होती है। आसपास का एटमॉस्फेयर अंधेरे में गिर गया होता है। उस टाइम पे जॉन चारों तरफ एक बड़े अंधेरे से गिरा हुआ होता है। जॉन इस फोर्स के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता था लेकिन खींचने वाला जो ये फोर्स होता है काफी पावरफुल होता है, और एक पल के बाद जॉन को लगा जैसे उसे समुद्र में फेंक दिया गया हो।
चारों तरफ के बदलते हुए सीन जॉन को दिखाई दे रहे होते हैं और ये एक ऐसा वर्ल्ड होता है जिसे जॉन ने पहले कभी भी नहीं देखा था। हालांकि अगर इस वर्ल्ड को मिरर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए तो अब जो यान एक ऐसे मिरर में था जिसके करोड़ों टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे और इसके अनबैलेंसिंग सीन्स जो इनफाइनाइट होते हैं जॉन की नज़रों में एक के बाद एक घूम रहे होते हैं और ये टारगेट लेस टूटे हुए ब्रेकिंग वर्ल्ड्स में जॉन एक के बाद एक बढ़ रहा होता है। साथ ही जो यान तुरंत ही एक अलर्ट की सिचुएशन में एंटर हो जाता है। इस टाइम पे उसे कुछ खतरा फील हो रहा होता है। जॉन की जो फिगर होती है वो दूर से एक लाइट की तरह लग रही थी और वो जमीन की तरफ गिरती जा रही थी एक तेज आवाज की तरह। जमीन धूल से भरी हुई होती है और थोड़ी देर बाद जब जो यान उस धूल से उठता है तो जो यान खुद को एक कॉन्टिनेंट पे पाता है और जब वो चारों तरफ देखता है तो सीन काफी चौंकाने वाला था क्योंकि ये कॉन्टिनेंट पूरा नहीं था यानी आइलैंड, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी सी तेज तलवार ने इसे आधा काट दिया हो। जॉन तुरंत ही चला जाता और इस आइलैंड की कई इमारतों और महलों को देखता है, लेकिन यहाँ के लोग पहले ही मर चुके थे। यहाँ के हर्ब्स, मेडिसिनल चीजें सभी सूख चुकी होती हैं। ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं बची और जॉन जांच करने के लिए इन महलों में जाना चाहता था तो ये महल धुएं और राख में बदल जाते हैं, जो देखकर जॉन पीछे हटने लगता है। लेकिन इसी टाइम पे जॉन की आंखें सिकुड़ गई होती हैं और वो तुरंत ही अपने हाथ में उठा लेता है 8 मिस्टीरियस बाहुवांग रूलर और अगले पल जो यान के रूलर से एक जोरदार झटका लगता है। जॉन देख सकता था कि यहाँ पे सब कुछ एक एल्यूजन जैसा लग रहा है, लेकिन जॉन जानता था कि ये एल्यूजन नहीं बल्कि टाइम के साथ भूली गई एक रियल वर्ल्ड थी जिसे अब लोग याद भी नहीं करते। साथ ही ये फिगर एक एशियन ओरिजिन होनी चाहिए जिसके बारे में जोइंग ने कहा था कि वो शायद पहले ही मर चुकी होगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ऐसा लगता है कि ये बुलबुले में बदल गई है और अंतहीन टाइम के अंदर ये पूरी तरीके से गायब हो गई है। साथ ही जॉन इस टूटे हुए ब्रेकिंग बर्ड में इधर उधर भटकने लगता है और रास्ते में जॉन को उन लोगों के समान अनगिनत लोगों का सामना करना पड़ता है और यहाँ के लोग बिना किसी चेतावनी के जॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन लगभग 10 अटैक के बाद जॉन चाहे अटैक करे या नहीं उन सभी की लंका लग गई होती है। जहाँ तक जोइंग द्वारा बताए गए सुप्रीम गॉड पिल की बात थी तो जॉन द्वारा चारों तरफ देखे जाने के बाद भी इसके कोई भी निशान नहीं होते। साथ ही जॉन को पता भी नहीं था कि यह पिल दिखती कैसी है और जॉन इसके बारे में टेंशन में भी नहीं होता, लेकिन उसके आसपास की जो एरिया होती है जॉन उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से निरीक्षण कर रहा होता है। कुछ ही दिनों के बाद एक पर्वत शिखर पे जो यान का ध्यान अट्रैक्ट होता है क्योंकि ये जो माउंटेन पीक होती है रेगिस्तान में अलग थलग होती है और एक बड़े से मैदान में ये पीक रेगिस्तान से घिरी हुई होती है। साथ ही यहाँ पे धूल और धूप इतनी तेज होती है कि कोई भी माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाए और चीजें जलकर राख। लेकिन जॉन देख सकता था इस माउंटेन पीक के ऊपर एक पतले तने वाला एक पौधा लगा था जिसमें पानी की एक बूंद होती जो क्रिस्टल क्लियर होती है और फल की तरह लटकी हुई होती है, जो देखकर जॉन तुरंत कहता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि फल बहुत भारी है इसीलिए इसका तना मुड़ गया है। हालांकि जब जॉन उस पेड़ के ऊपर लटकी हुई पानी की ड्रॉप देखता है तो जॉन को पता चल गया होता है कि ये डिवाइन पेल होनी चाहिए जिसके बारे में जोइंग ने कहा था, क्योंकि उसके आसपास की हर एक चीज के कंपैरिजन में ऐसा लग रहा था कि केवल माउंटेन पीक ही एकदम रियल लग रही थी, बाकी सब कुछ तो एल्यूजन जैसा फील हो रहा होता है। जॉन धीरे धीरे उस ट्री के क्लोज आता है और कंफर्म करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उसे स्कैन करता है कि क्या कोई अजीब सा फ्लक्चुएशन है या कुछ और। लेकिन जैसा कि जॉन को अभी तक फील हुआ था, आसपास की जगह की तरह यहाँ पे भी कोई लाइफ पावर का निशान नहीं होता, केवल क्रिस्टल क्लियर ब्रांच के ऊपर ये लटका हुआ वाटर ड्रॉप होता है। हालांकि आसपास देखने पर जब कोई भी फ्लक्चुएशन जॉन को फील नहीं होता तो जॉन माउंटेन पीक पर चला जाता है। साथ ही इस क्रिस्टल क्लियर वाटर ड्रॉप को देखकर जॉन को रियलिटी का एहसास हो रहा होता है, जिसके बाद जॉन अपने हाथ को बढ़ाते हुए तुरंत ही उस तने से उस वाटर ड्रॉप को हटा देता है। अब रियल वाटर ड्रॉप जॉन के हाथ में होती है और जॉन बस इस चीज को कन्फर्म करने वाला था कि अचानक उसके पैर के नीचे का माउंटेन ढह गया होता है और एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ जॉन अपनी जगह पर स्टेबल हो जाता है। जो देखकर जॉन की बॉडी में जो प्रेशर पड़ रहा था उसे देखकर जॉन तुरंत ही जितनी कोशिश कर सकता था वो तुरंत ही पीछे की तरफ हटने लगता है, जिसके बाद एक फटे हुए सड़े हुए कपड़े के साथ जंगल से एक लंबा नाइफ जॉन की तरफ गरजता है और जॉन मिस्टीरियस रूलर को निकालकर फ्लेम थंडर अपीयर करता है और उसे नाइफ को रोकता है। साथ ही जॉन पीछे हटते हुए देखता है कि ये जो फिगर अभी अभी आई थी ये उन सभी फिगर से अलग थी जिसका उसने अब तक सामना किया था, साथ ही ये थोड़ा मजबूत भी थी, लेकिन जॉन उसकी बॉडी के अंदर से कोई भी कोई फ्लक्चुएशन महसूस नहीं कर सकता था। साथ ही इस आदमी के हाथ का जो नाइफ था ये बेहद ही मिस्टीरियस चीज थी। हालांकि जब जॉन ने इसे देखा था तो जॉन को लगा था कि ये उसका पीछा करना कंटिन्यू रखेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये फिगर घूमेगी और भाग जाएगी। हालांकि अटैक करना तो ठीक बात थी, लेकिन ऐसे भाग जाना जॉन को ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया होगा। जॉन की आंखें सिकुड़ गई होती हैं क्योंकि जिन लोगों से उसका सामना हुआ था उनमें से किसी के अंदर भी दिमाग नहीं था, लेकिन ये फिगर स्पष्ट तौर पर अलग थी। जॉन तुरंत ही कहता है भागना चाहते हो, ये इतना आसान कैसे हो सकता है। जॉन तुरंत ही हाथ को लहराता और एक लाइट ग्लो होती है, साथ ही ये लाइट सीधे ही आगे बढ़ते हुए फिगर को दबाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। साथ ही ये लाइट एक माउंटेन पीक की तरह थी जिसे कहते हैं फेज लेस पीक, जो कि जॉन के सीनियर ब्रदर ने जॉन को दी थी और ये भी एक ट्रेजर था और ये जो ट्रेजर था वो ओरिजिन क्वीन के साथ सैकड़ों फीट तक फैल सकता था। साथ ही जो पीक ट्रेजर होता है ये अपने फिगर को बदलता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है और बूम की आवाज़ आती है और एक दबी हुई आवाज़।
और फेजलेस पीक में ये आवाज गूंज उठती है। तभी एक अटैक के साथ ये फेजलेस पीक दो हिस्सों में टूट जाती है, लेकिन लकीली मेन जो ट्रेजर था उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। आखिरकार ये केवल मुट्ठी के साइज का होता है और ये वापस से घूमता हुआ जोयान के हाथ में आ गया होता है। 37% को ऐसा लग रहा था कि वो जोयान से हार गया, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहता था, जबकि जोयान उससे इस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पाना चाहता था, इसलिए जोयान उसका पीछा कर रहा होता है। जोयान इस पर्सन का बहुत क्लोज से पीछा कर रहा था। वास्तव में जोयान पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। जोयान को उम्मीद थी कि वो उसे पकड़ सकता है, लेकिन जोयान ऐसा नहीं करता। वो धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के इसके साथ जा रहा होता है उस जगह की तरफ जहाँ ये जा रहा था। आखिरकार जोयान देखना चाहता था कि ये भागकर कहां जाएगा, क्योंकि जोयान को एहसास हुआ था कि इस पर्सन ने उससे बचाव नहीं किया बल्कि ऐसा लगता है कि उसे कुछ जुनून है। कई दिनों तक इस पर्सन का पीछा करने के बाद जोयान जब अपना सिर उठाता है तो आंखें सिकुड़ गई होती। उसने देखा था कि पहले ही तरह हजारों माउंटेन की पीक्स हैं। इन माउंटेन्स की पीक पर एक एक पेड़ का तना है जो कि पानी की बूंदों के प्रेशर के कारण झुका हुआ है, और यह फिगर माउंटेन पीक पर चढ़ गई होती है। लेकिन जोयान ने उसका पीछा करने की जल्दबाजी नहीं की होती। आखिरकार यह पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं था, और अब और ये पानी की बूंदें डिवाइन पेल हैं, जैसा कि ज्यूइंग ने कहा। तो यहाँ हजारों की क्वांटिटी में ये होती हैं, लेकिन जोयान समझता था कि ये बड़ी और काफ़ी जायंट माउंटेन पीक्स पीक नहीं है, ये सिर्फ माउंटेन पीक के साइज में मौजूद हैं। जोयान यहाँ जल्दबाजी में कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता। उसे अभी भी कन्फर्म करना था कि क्या वाटर ड्रॉप्स वास्तव में ज्यूइंग द्वारा कहा गया डिवाइन पेल है। इसलिए जोयान तुरंत ही उस पिल को उठाता है जिसे पहले उसने वाटर ड्रॉप को हासिल किया था, और जोयान की फ्लेमें अचानक इस वाटर ड्रॉप में फैल गई होती हैं, जिसके बाद ये वाटर ड्रॉप अचानक ही पिघल गई होती है और ब्रीथ यानी कि एयर के झोंके में बदल गई होती है, और इसके अंदर की मिस्टीरियस पावर को जोयान महसूस कर सकता था। तो जोयान की आँखें चमकने लगती हैं, वो तुरंत ही अपने मुँह को खोल कर इसे जिंदा ही स्वैलो कर लेता है, क्योंकि इसी तरीके से जोयान इसके कन्फर्मेशन को कन्फर्म कर सकता था। जोयान आँखें बंद करता है, ये जो ब्रीथ होती है जोयान की बॉडी के अंदर फैलने लगती है और काफ़ी रिच एनर्जी जोयान को महसूस नहीं होती। लेकिन जोयान को यहाँ पे ब्रीथ तो फील नहीं हुई थी, बट जो इसका स्टार सी होता है उसमें धीमा धीमा फ्लैक्चुएसन दिखाई देता है, और 60 मिलियन ओरिजिन को स्टार एक पल में 2 मिलियन बढ़ गए होते हैं, जो देख कर तो जोयान की आँखें चमक उठती हैं। जोयान की आँखों में एक अलग ही लालच होता है कि अब तो ये सभी वाटर ड्रॉप मुझे चाहिए। यही वो सुप्रीम पिल है जिसके बारे में बात की गई थी। ज्यूइंग ने कहा उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इसे ढूंढना इतना आसान होगा। लेकिन जोयान को अचानक अजीब लगता है कि ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल होना चाहिए था, और इन माउंटेन पीक्स को देखकर जोयान को थोड़ा सा बुरा एहसास हो रहा होता है। जिन चोटियों का उसने अभी तक सामना किया वे सबसे कमजोर लोग थे जिनके साथ जोयान फाइट कर सकता था, लेकिन जोयान को नहीं पता कि इन माउंटेन पीक के पीछे कितने स्ट्रांग लोग होंगे जो कि उसकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यार हर किसी को अपनी लाइफ प्यारी होती है, यहाँ पे जोयान को भी प्यारी है। लेकिन इन पिल्स का जो एक्साइटमेंट है और इनसे 2 मिलियन कुई का बढ़ना, इसने जोयान को बाबला बना दिया होता है। बाबला ये हवा में मोटू के समोसे की तरह तैरते हुए इन वाटर ड्रॉप्स की तरफ जाना चाहता था। साथ ही जोयान को वास्तव में लग रहा होता है कि जैसा कि ज्यूइंग ने कहा, ये टाइम द्वारा भुला दिया गया एक एशियन आइलैंड होगा, जिसके बाद जोयान कन्फर्म करने के बाद तुरंत ही यहाँ की हजारों पीक्स की तरफ देखता है जहाँ पे सभी डिवाइन पिल्स इकट्ठा किए गए थे। जोयान को उम्मीद थी वो यहाँ पे 7 स्टार को ब्रेक थ्रू करके 8 स्टार तक पहुँच सकता है, वरना 7 स्टार पीक लेवल को तो जोयान ब्रेक थ्रू कर ही लेगा। और जोयान आगे बढ़कर माउंटेन पीक पर चढ़ जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के तने से वाटर ड्रॉप को हटा लेता है। हालांकि पहली बार की तरह जोयान ने जैसे वाटर ड्रॉप को निकाला होता है उसके पैरों के नीचे का माउंटेन फट गया होता है, जैसे कि वाटर ड्रॉप उसकी सील हो। और जैसे ही जोयान ने उस वाटर ड्रॉप को हटाया सील टूट गई और इस माउंटेन का रियल ओरिजिन शो होता है। लेकिन पिछले एक्सपीरियंस के साथ जोयान इस बार पर्याप्त सतर्क होता है और इसके इम्पैक्ट से बचते हुए तुरंत ही दूर की तरफ आ गया होता है। तभी आसमान में धूल की तरफ उठती है और एक जायंट ब्लैक पाम जोयान की तरफ बढ़ने लगती है, और जोयान तुरंत ही इससे बच निकलता है। हालांकि इस पाम के शॉट के साथ एक बड़ी सी फिगर धुएं और धूल से जोयान की तरफ बढ़ने लगती है। ये दर्जनों फीट के साइज की एक एशियंट जायंट मून डेमन जायंट एप था। मून डेमन एप की जो फिजिकल पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, और इसे देखकर तो जोयान के भी हौसले हिल गए होते हैं। साथ ही जोयान अब इसके सामने फाइट करते तो 8 मिस्टीरियस बाहुआंग रूलर को बाहर नहीं निकालता, क्योंकि इस मामले में अपनी फिजिकल बॉडी को चमकाना सबसे सही चीज थी। और अगले ही बल वो उस बटर ड्रॉप को हटाकर अपनी बॉडी में ब्लैक थंडर को अपेयर करता है। साथ ही जोयान की बॉडी के अंदर तुरंत ही उसकी जो ब्लैक मेरिडियंस थी उसके अंदर जो थंडर मेरिडियंस थी वो एक्टिवेट हो जाती है, उनमें से थंडर साइन होने लगती है, जिसके बाद जोयान अपनी फिस्ट को बाहर निकालते हुए मून डेमन एप पर अटैक कर देता है। और दोनों के जो पंचेस होते हैं उनकी जो साइज होती है काफ़ी अजीब होती है। जोयान के हाथ में पूरा ही वाइट थंडर होती है जिसकी एक्सप्लोडिव पावर एक्सप्लोड होती है, और एक तेज आवाज के साथ जायंट मून डेमन के साथ टकरा जाती है। और एक टक्कर के साथ ऐसा लगता है कि दोनों अटैक जैसे हवा में ही रुक गए हों, और वाइट डिस्ट्रक्टिव हेवनली थंडर चारों तरफ फैल जाती है। और इसके बाद एक ब्लास्ट होता है और अचानक
जायंट टेप के हाथ की स्किन और मांस फट गया होता है, लेकिन बेचारा अपनी बॉडी को स्टेबल करने के बाद दहाड़ता और अपनी फिस्ट को जॉन की तरफ लेकर जॉन को मारने के लिए दौड़ पड़ता है कि टोटे टोटे कर दूंगा, और दे दनादन अपनी छाती में मुक्के मारने लगता है। इसका जो बिहेवियर था ये क्रूएल के काफ़ी अपर लेवल पर होता है। इनमें से अधिकांश हमले इत्मीनान से चलते हुए अप्रभावी हो गए होते हैं। केवल क्रोध को असीम तौर पर बढ़ाया जा सकता था, साथ ही चांसेस और मिस्टेक्स को देखते हुए जो यान की बॉडी चमक उठी होती है, और जॉन सीधा ही मून जायंट टेप के दिल पर अटैक कर देता है अपने पंचेस से। साथ ही जॉन की तरफ अटैक करना कंटिन्यू रखता है। इसके क्रूअल अटैक और भी क्रूअल होते जा रहे होते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अटैकों को जॉन ने काफ़ी आसानी से डॉच कर लिया होता है। आखिरकार आप गुस्से में मिस्टेक्स भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और ये मिस्टेक दूसरे के लिए होती है मौका। जो यान की बॉडी चमक उठती है और जॉन ने सीधे इसके हार्ट पर अटैक कर दिया होता है, और अगले ही पल इसकी उड़ती हुई फिगर राख में बदल गई होती है, जिसके बाद जायंट टेप से छुटकारा पाने के बाद जॉन बाकी के पीक्स पे जाता है, और वो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा डिवाइन पिल्स को इकट्ठा करना चाहता था और फिर कल्टिवेशन स्टार्ट करना चाहता था। साथ ही इन सभी माउंटेन्स में एंशिएंट ओरिजिन है, जैसा कि ज्यूइंग ने कहा था। हालांकि ये मर चुके हैं, लेकिन इनकी सोल का लास्ट क्लस्टर है जो अभी भी मौजूद है और इस जगह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, और ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। साथ ही इनकी पावरफुल पावर अभी भी मौजूद है। इसके अलावा जो यान ने यह नहीं सोचा था कि उन्हें इन माउंटेन पीक्स पर यहीं पर दफना दिया जाएगा, इसलिए जॉन काफ़ी अलर्ट भी होता है। जायंट मून एप से निपटने के बाद वो फिर से एक और माउंटेन पे पहुंचता है, और उस माउंटेन पे जैसे जॉन के पैर पड़ते हैं वो पिल उठा पाता उससे पहले ही एक बड़ा सा मुंह माउंटेन के अंदर ओपन होता है और जॉन को निगल लेता है। साथ ही ये कोई और नहीं बल्कि एक डायमंड क्रोकोडाइल होता है जो घात लगाकर अटैक करने में काफ़ी अच्छा था। जॉन को बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होती क्योंकि जॉन यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं ले पाता, लेकिन एक क्षण के बाद इस क्रोकोडाइल के पेट में गुड़ू गुड़ू होना शुरू हो गई होती है, और अचानक इसके मुंह से धुआं निकलने लगा होता है और बॉडी पे काली थंडर घूमने लगती है, और कुछ टाइम के बाद इसकी बॉडी में तेज गुब्बारे की तरह एक जोरदार धमाका होता है। हर जगह खून ही खून फैल गया होता है, और ये मगरमच्छ खत्म, टाटा बाय बाय तुरुरू। जॉन की फिगर फिर से अपेयर होती है। जॉन के हाथ में और भी पिल और फ्रूट्स होते हैं, हालांकि जॉन लगभग इस बार चूक गया था। थोड़ा ठीक होने के बाद जॉन फिर से अदर माउंटेन पीक्स की तरफ चला जाता है। जॉन को नहीं पता था किस माउंटेन में किस तरीके का ओरिजिन इंसान बीस्ट या ह्यूमन होगा, इसलिए जॉन को थोड़ी घबराहट हो रही होती है क्योंकि अगर इनमें से कोई भी ओरिजिन अभी भी जिंदा है तो उनसे निपटना आसान नहीं होगा। हालांकि जब जॉन थर्ड माउंटेन पीक पर आता है तो उसे किसी भी अनएक्सपेक्टेड अटैक का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही पिल को उठाते हुए जॉन के माउंटेन में भी कोई हलचल नहीं हुई थी, जिससे जॉन का इंप्रेशन बदल जाता है। जो देखकर जॉन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि यह माउंटेन खाली हो, और वो ये चढ़ाता है। जाहिर तौर पर उसका अंदाजा गलत था, लेकिन खबर थोड़ी देर बाद आई। यह माउंटेन भी काफ़ी खोखली दिखाई देती है और इससे छोटी छोटी ब्लैक लाइनें और शैडो निकलने लगती हैं। हालांकि इनका आकार बड़ा नहीं था, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। यह टिड्डियों के झुंड की तरह लग रही होती हैं, और इनकी जो साइज होती है एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी होती है, और इनके तेज हाथ जो यान की तरफ घूम रहे होते हैं, जो देखकर जोहान तुरंत ही अपने हाथों में फायर लोटस को कंडेंस करता है, और एक पल में जॉन ने सैकड़ों फायर लोटस कंडेंस किए थे। बेशक इसकी कंपैरिजन जो पावर है वो एंग्री बुद्धा लोटस जितनी पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी क्वांटिटी बड़े क्वांटिटी में लोगों को यानी कि बीस्टों का सामना करने के लिए काफ़ी थी। बूम बम की आवाज के साथ सैकड़ों फायर लोटस एक के बाद एक ब्लास्ट हो गए होते हैं, और जो यान ने भी तुरंत एट बीस्टस बाहुअंग रूलर को उठा लिया होता है। जब तक भी एक ही टाइम पर अटैक नहीं करते ये जॉन के लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। जॉन तुरंत ही आगे बढ़ता है और एक एक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि थर्ड माउंटेन में जो ये बीस्ट थे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे, लेकिन जॉन अभी भी इनसे निपट सकता था। बात इस पे इतनी थी कि जिस भी माउंटेन पे जॉन जा रहा होता उसमें आने वाला हर एक बीस्ट अलग अलग होता है, उनके टेक्निक अलग अलग होती हैं। थोड़ी टाइम के अंदर जॉन ने तीन को तो सॉल्व कर लिया होता है, और अगर ऐसे ही कोई और प्रॉब्लम या डिजास्टर नहीं होता या एक्सीडेंट, तो जॉन इन हज़ारों माउंटेन्स के एसेंस पिल को भी ले सकता था, और जॉन इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था, बल्कि वो पूरा का पूरा ट्राई करना चाहता था। आखिरकार इस पिल का एक टुकड़ा जॉन के फाउंडेशन को लगभग 2 मिलियन बढ़ा सकता है, तो 7 स्टार फाइटिंग गॉड तक पहुंचने के लिए जॉन को 80 मिलियन की ज़रूरत है, तो कम से कम 10 पिल या कि 10 लिक्विड होना जॉन के लिए काफ़ी होगा। साथ ही इस माउंटेन पीक को देखते हुए जॉन गहरी सोच में पड़ गया होता है, क्योंकि हमेशा किसी की क्रेप को खोदने का एहसास जॉन को हो रहा होता है। हालांकि जब जॉन करीब से देखता है तो ऐसा लगता है कि ये चोटियाँ ग्रेव्स की तरह दिखने के लिए थोड़ा सा अनबैलेंस है। ऐसा लग रहा है इसे किसी के द्वारा क्रिएट किया गया होना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद जॉन फिर से नेक्स्ट माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है। पहले से जॉन ने 10 पिल्स को इकट्ठा कर लिया था, और जैसा कि जॉन ने उम्मीद की थी इनका इफेक्ट अभी भी काफ़ी अच्छा था, और सोर्स स्प्रेड फूड की तरह ही था। बेशक भले ही इफेक्ट कमज़ोर हो जाए फिर भी यह कुछ हद तक पावर बढ़ाने की गारंटी दे सकता था।
इसलिए जुआन को सैकड़ों हजारों तक अपनी पावर बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अगर यह केवल पावर को बढ़ाने के लिए क्रेजी तरीके से अब्सॉर्ब किया जाने वाला एक तरीका था, तो जुआन जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा इसे निगलना चाहेगा। लेकिन जुआन जितना ज़्यादा इन्हें अब्सॉर्ब करेगा, इनका जो इफेक्ट है उतना ही कम होता जाएगा। लेकिन जुआन को पता था कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता और इन हज़ारों पीक के अंदर के हज़ारों डिवाइन पिल उसके पास होंगे, तो उसकी पावर आसमान छूने लगेगी। हालांकि ये सिर्फ जुआन की एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि कल्टीवेशन में कोई भी बैक गेट नहीं होता। भले ही जुआन के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हों, फिर भी कुछ ही टाइम के अंदर उसकी पावर एक कंप्लीट स्टेज पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो फोर्सफुली कल्टीवेट नहीं कर सकता, और करेगा तो ये उसके लिए हार्मफुल भी होगा। आखिरकार जुआन के फोर्सफुली कल्टीवेशन कारण उसे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट झेलने पड़ रहे थे। लकीली क्वीन ने टाइम रहते ही जुआन के इन इफेक्ट्स को सॉल्व कर दिया था। इसलिए अगर जुआन वापस से वही काम करता है तो यह उसके फ्यूचर के फाउंडेशन के लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि अभी भी जुआन की जो फाउंडेशन थी वो फुल्ली बैलेंस नहीं थी। भले ही जुआन स्टार फाउंडेशन को अच्छी तरीके से सुधार करने की कोशिश की हो, जब तक ये 9 स्टार फाइटिंग गॉड पर पहुंच जाता है तो फोर्सफुली पावर को बढ़ाना जुआन के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में जुआन इमॉर्टल लेवल को ब्रेक थ्रू करने का मौका खो देगा और बहुत कम चांसेस होंगे। इसलिए जुआन को एक परफेक्ट फाउंडेशन की जरूरत थी, ताकि वो इमॉर्टल लेवल को ब्रेक थ्रू करते टाइम किसी भी बैकलेस का सामना न करे। और इसके लिए केवल एक ही तरीका था, धीरे धीरे जितना हो सकता है केवल उतना अब्सॉर्ब करके वो कल्टीवेट करे। इसके तुरंत बाद जुआन हर एक माउंटेन में जाकर उसके पिल्स को इकट्ठा करने लगता और एसेंट बीट अपेयर होते, लेकिन कोई अब बात नहीं। जुआन उनसे थोड़े झगड़े के बाद उन्हें हरा देता था। जुआन की जो स्टोरिंग होती है उस पे अब ये 7th डिवाइन पिल होता है, लेकिन तभी अचानक एक प्रेशर के साथ जुआन का माउंटेन ढह जाता है, जो देखकर जुआन 8 मिस्टेस बाहुआंग रूलर निकाल लेता है। लेकिन अपनी बॉडी को स्टेबल करने से पहले जुआन लगभग 100 फीट तक पीछे गया था। जुआन की आंखें अचानक ही फोकस हो गई होती और वो फॉग की तरफ देखता है। जब उसने 7th पिल को उठाया था तो उसे लगा था कि जैसे उसे अब एक पावरफुल एनिमी का सामना करना पड़ेगा, और ये फोर्स उन लोगों से बिल्कुल अलग थी जिसका उसने अब तक सामना किया था। जुआन देख सकता था कि धूल और धुएं में एक फिगर दिखाई दे रही होती है, जिसके हाथों में डबल स्लॉड होती है और उसकी बॉडी में अनगिनत चाकू के निशान देखे जा सकते थे। तलवारों पे खून के धब्बे भी देखे जा सकते थे। और इस पर्सन के मुंह खोलते हुए वो जुआन की तरफ देखते हुए कुछ कहता है। इसने बहुत सारी बातें जुआन को कही होती, चाई चिंग चांग चोंग चिंग चैंग चुंग चोंग चांग चिंग चैंग चोंग, लेकिन जुआन को एक भी वर्ड समझ में नहीं आता। लेकिन जुआन को इसे देखते हुए पता था कि ये या तो गालियां दे रहा था या फिर डांट रहा था। साथ ही अपनी बातों को कंप्लीट करने के बाद ये स्टेप बाय स्टेप जुआन की तरफ चलने लगता है, और इसके हर एक कदम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लड रेड होते हैं, जहाँ से भी ये गुजर रहा होता है वहाँ की जमीन। तो बाय बाय थ्रियन फैमिली, इसी के साथ अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इसकी और जुआन की फाइट, जहाँ जुआन की होगी हुलिया टाइट या जुआन काट देगा इसकी काइट। तो अभी के लिए सिर्फ गुड नाइट। वाह वाह, थैंक यू, क्या लाइन बोली है मैंने। चलो चलो सो जाओ।